शाजापुर जिले के गुलाना उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार संक्रमण से छात्रों को बचाने के उद्देश्य से शासकीय कॉलेज में 1 अक्टूबर से ऑनलाइन कक्षा शुरू की जाएगी। ये कक्षाएं ऑनलाइन होगी, छात्रों को घर बैठे ही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। गुलाना महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुकूल सोलंकी ने बताया कि निर्देशानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 1 अक्टूबर से ऑनलाइन कक्षाएँ आयोजित की जाएगी। कोरोना के चलते सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रत्यक्ष शिक्षण के बजाय सोशल मीडिया पर विद्यार्थियों के कक्षा बाहर समूह बनाकर निर्धारित समय सारणी अनुसार प्राध्यापकों द्वारा अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के साथ ही आगामी 2 माह के लिए समय सारणी भी जारी कर दी है, जिससे कॉलेज के सूचना पटल पर देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से जो हमें निर्देश मिले उनका पूर्ण पालन करते हुए समय सारणी अपलोड कर दी गई। प्रत्येक विद्यार्थी को सूचित कर दिया गया है कि 1 तारीख से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है। प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक सब्जेक्ट और प्रत्येक समय सारणी के अनुसार हर विद्यार्थी इसमें भाग ले सकता है और प्रत्येक जो भी पढ़ाने वाले शिक्षक और प्राध्यापक है वो ये चाह रहे हैं कि समय सारणी के अनुसार बच्चे उसमें सक्रिय भाग ले और अपनी परेशानी और समस्याओं का निवारण और समाधान उसमें करें, जिसके लिए सदैव स्टाफ तत्पर है और पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। तैयारी का शेष यही बाकी है, कल 2 दिन मॉक टेस्ट भी लिए गए अग्रणी महाविद्यालय में, उन मॉक टेस्ट को भेज दिया गया है। मॉक टेस्ट के माध्यम से ये बताया गया है कि किस तरह क्लासेस ली जाएगी और कैसे बच्चे उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। सर, एक विषय का कितने पीरियड रहेगा, कितने टाइम रहेगा? 40 मिनट के प्रति पीरियड के हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी, जिसमें सभी सब्जेक्ट इन्वॉल्व रहेंगे। कॉलेज महाविद्यालय में 2 फैकल्टी है, बीए और बीएससी, तो बीए के जितने भी सब्जेक्ट है सबकी फैकल्टी उपलब्ध है, बीएससी के भी सबकी फैकल्टी उपलब्ध है। सब अपने समय अनुसार समय सारणी के अनुसार अध्ययन अध्यापन कराएंगे। सर, एक विषय और, कभी कुछ बच्चों को जो परेशानी आती है किस विषय को लेकर, कभी वो कॉलेज में किस तरह से आ सकता है मार्गदर्शन के लिए? ये COVID-19 का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शासन के नियम अनुसार तो यही कहा गया है कि बच्चे की जो भी समस्या है वो ऑनलाइन या फ़ोन के माध्यम से उपलब्ध करा दे तो वो समस्या का समाधान किया जा सकता है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते पिछले लंबे समय से स्कूल और महाविद्यालय में शिक्षण कार्य बंद है। ऐसे में अब जहां आंशिक रूप से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, वहीं कॉलेज में भी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। शाजापुर से पंकज राठौर की रिपोर्ट।